हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एन ईवीएस चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड व्हिच इज़ फैमिलीज़ कैन बी डिफरेंट तो नाम से ही पता लग रहा है चैप्टर के आपको कि चैप्टर में ज़रूर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज के बारे में बताया गया होगा हम कुछ फर्स्ट और सेकेंड क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं जैसे न्यूक्लियर फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली जॉइंट फैमिली फैमिली बाई चॉइस ब्लेंडेड फैमिली तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि एन करती है आपको वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू हर फैमिलीज के कुछ टाइप ऑफ फैमिली के कुछ फायदे और नुकसान बताए गए होंगे बाकी तो चैप्टर पढ़ के हम लोग सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट वीडियो है आपकी इसमें हम लोग एन से चैप्टर को रीड करेंगे एन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे उसके बाद आपकी इसकी एक वर्कशीट आएगी जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स होंगे एंड देन दे विल बी अ क्विज फिर आपका टेस्ट होगा तो आप उनको मिस ना करें उसके लिए जरूरी है वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर टैप कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब वीडियोस आपकी क्लास की आएंगी आप उनको मिस ना करें ओके लेट्स बिगिन नाउ चैप्टर नंबर करेंटीज कैन बी डिफरेंट टेल हाउ मैनी पहले आपको एक गेम दिया हुआ है कम लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस गेम आप जानते होंगे इस गेम को आपने स्कूल में खेला भी होगा ऑल द स्टूडेंट ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल सभी बच्चे एक सर्कल में खड़े हो जाएंगे लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एक बच्चा सेंटर में खड़ा रहेगा सभी चारों तरफ खड़े हुए हैं एंड प्ले अ ट्यून और कोई ट्यून प्ले करेगा एवरी वन मस्ट रन सब लोग इसमें चारों तरफ सर्कल में घूमेंगे रन करेंगे एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेस जब तक म्यूजिक बजता रहेगा आप लोग घूमते रहेंगे द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक जो बच्चा म्यूजिक बजा रहा है विथ सडनली स्टॉप इट एकदम से रोक देगा एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर और एक छोटा नंबर बोलेगा जैसे कि उसने कहा फाइव या फिर फोर या फिर टू कोई भी एक नंबर बोलेगा जोर से लाउडली to चिल्ड्रन है उसने बताया, तो क्या होगा? सारे जो बच्चे दौड़ रहे हैं खड़े हो जाएंगे और जो बच्चे ग्रुप थ्री के ग्रुप में नहीं होगा वो क्या हो जाएगा ही विल गॉट आउट वो आउट हो जाएगा उससे ओके okay? इस तरीके से गेम खेला जाता है द हु कैन नॉट ज्वाइन द ग्रुप जो ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगा वो लीव कर देगा गेम को इस गेम को जब तक खेलते रहेंगे जब तक दो बच्चे नहीं बचेंगे सर्कल में चलिए कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम इस गेम के बारे में और बातें करते हैं पहला क्वेश्चन है हाउ डिड यू फील वेन यू कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर वाई जब आप इस गेम को खेलेंगे और आप देखेंगे कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आपको कैसा फील होता है आप फील करते हैं आप लिखेंगे इसका आंसर आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप उस ग्रुप का पार्ट अपने आप को फील करते हैं आप और अगली बार भी जब नंबर बोला जाता है कोई भी तो आप उन बच्चों को ढूंढते हैं जिनके साथ आपने लास्ट में ग्रुप बनाया आप देखिएगा ये जरूर होता है हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप वाई आप अगर कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो आप कैसा फील करेंगे उस टाइम आप फील करते हैं आइसोलेटेड आइसोलेटेड मतलब अकेला ऑब्वियस सी बात है किसी के ग्रुप में अगर आप नहीं जा पाए डू यू लाइक टू बी विद पीपल क्या आपको लोग के साथ रहना अच्छा लगता है ऑब्वियसली सबको अच्छा लगता होगा आपको किसके साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है सिस्टर अपने फ्रेंड अपनी मदर नाम लिखेंगे आप उनका हाउ would यू फील इफ़ यू ऑलवेज had टू बी alone? अगर आप हमेशा ही अकेले रहेंगे तो आप कैसा फील करेंगे आई एम श्योर सभी बच्चे सैड फील करेंगे अकेला रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है ओके इन क्वेश्चन के आंसर्स आप लिख देंगे ऑल ओ फर्स्ट प्रेफर टू लिव विद पीपल दैन टू लिव अलोन अकेले रहने से अच्छा हम कैसा किन के साथ रहना फील करते हैं लोगों के साथ रहना अच्छा रह के अच्छा फील करते हैं हम प्रेफर करते हैं उनके साथ रहना वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स हम हमेशा ग्रुप में रहते हैं आप देख लीजिए घर में आपकी फैमिली या स्कूल जाते हैं तो फ्रेंड्स का भी एक ग्रुप होता है है ना ऐसा तो नहीं है आपकी इक्वेशन सब बच्चों के साथ अच्छी होगी तीन चार बच्चों का एक ग्रुप होता है जो कि क्लोज फ्रेंड्स होते हैं लेटेस्ट सी वन ऑफ सच ग्रुप ऐसा एक ग्रुप देखते हैं हम गुरलीन नागरंजन एंड देयर चिल्ड्रन तानिया एंड समर ये दो गुरलीन एंड नागरंजन नागरंजन और उनके बच्चे तानिया और समर इनका एक ग्रुप है हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर आपको क्या लगता है ये लोग किस तरीके से रिलेटेड होंगे तो देख के पिक्चर को ऐसा लग रहा है कि ये जो दो हैं नागरंजन एंड गुरलीन आप लिखेंगे नागरंजन एंड गुरलीन आर पेरेंट्स आर पेरेंट्स एंड तान्या एंड समर आर सिस्टर एंड ब्रदर तान्या और समर क्या है भाई बहन है पिक्चर से देखने से जो लगता है द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग टू वन फैमिली ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये किसी एक, -एक फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ ऑफ सच फैमिलीज आपकी भी फैमिली की कोई ऐसी पिक्चर होगी जहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स साथ में खड़े हुए हैं वेयर डू यू सी सच अ फैमिली और आर आर ऑल फैमिली सिमिलर टू वन लेटर्स रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज आप कैसा मतलब आ, वॉट डू यू सी वेर डू कहाँ आपको देखने को मिलती है ऐसी फैमिलीज ऐसी फैमिलीज जहाँ पर पेरेंट्स uh, होते हैं और uh, सिर्फ दो बच्चे ऐसी फैमिली जनरली शहरों में देखने को मिलती है इन सिटीज़ विलेज़स में आप देखिए तो जनरली जॉइंट फैमिलीज़ होती है क्या सभी फैमिली एक दूसरे के सिमिलर होती है बिल्कुल नहीं सारी फैमिलीज डिफरेंट होती है अब हम कुछ फैमिलीज़ के बारे में बातें करेंगे आगे सबसे पहले बात करेंगे सीताम्मा की सीताम्मा लिव इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन द स्मॉल सिटी गुंतूर सीतम्मा अपने पुश्तैनी घर में जो उनके दादा दादा दादी का घर था उसमें रहती है छोटी सी शहर छोटे से शहर में गुंतूर नाम है शहर का हर दादा दादी यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर उसके दादा दादी छोटे चाचा और बुआ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है एक पोर्शन में ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतामा लिव विद हर फादर एक पोर्शन में सीतामा अपने फादर के साथ रहती है मदर और छोटी बहन गीतामा के साथ इन द अदर पोर्शन दूसरे पोर्शन में लिव हर ताऊजी एंड हर थ्री चिल्ड्रन उनके ताऊजी Uh, और तीन बच्चे रहते हैं हर ताई जी डाइट जस्ट अ फ्यू मंथ्स उनकी ताई जी कुछ महीने पहले ही शी गॉट एक्सपायर्ड वो अब नहीं रही है तो ग्राउंड फ्लोर पे दादा दादी बुआ चाचा फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में सीतामा गीतामा और उनके पेरेंट्स और सेकेंड फ्लोर पे जी और उनके तीन बच्चे ओके चलिए uh, अगो ओके कुछ मंथ्स पहले वो एक्सपायर हो गई थी हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम ऑन द टेरेस उनके बड़े चाचा और चाची जो है वो टेरेस के ऊपर छत के ऊपर एक रूम है उसमें रहते हैं दे आर न्यूली मैरिड उनकी अभी अभी शादी हुई है बिफोर डिनर डिनर से पहले सीतामाज मदर टीचर्स ऑल द चिल्ड्रन सीतामा की जो मदर है वो सब बच्चों को पढ़ाती है फूड फॉर द होल फैमिली इज कुकड इन द सेम किचन सभी के लिए एक ही किचन में खाना बनता है ऑन द ग्राउंड फ्लोर जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है किचन दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट्स टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम सभी कोशिश करते हैं कि डिनर टाइम पे सभी लोग एक साथ हो नाउवर डेज आजकल ताउजी इज यंगर डॉटर स्लीप्स विद सीताज मदर एट नाइट ताउजी की जो छोटी बेटी है वो सीता माँ के साथ सोती है क्योंकि जैसा बताया गया उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी इन द मॉर्निंग सीताम्मा हेल्प हर गेट रेडी फॉर द स्कूल और मॉर्निंग में सीताम्मा हेल्प करती हैं उसकी स्कूल के लिए रेडी होने में यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख भी रहा है कहने का मतलब है कैसी फैमिली है ये एक ज्वाइंट फैमिली है हु ऑल आर इन सीताम्माज फैमिली बताइए कि सीता माँ की फैमिली में कौन है बहुत सारे लोग हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीताम्मा उसके बाद सीता सीताम्मा उनकी मदर उनके फादर उनकी सिस्टर आप शायद तो सिस्टर का नाम लिख सकते हैं गीताम्मा देन uh, उनकी ग्रैंड मदर है ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है ग्रैंड फादर और उसके बाद उनकी बुआ जी है उनके अंकल है उनके एल्डर अंकल है उनकी आंट है जो कि ऊपर रहती है उनके ताऊ जी है और थ्री कजन्स हैं तीन जो कि ताउ जी के बच्चे हैं ओके तो ये सब फैमिली में रहते हैं हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली अलग अलग जो लोग हैं उनके बीच में क्या किस तरीके का रिलेशनशिप है तो देखिए चार तो ब्रदर्स हैं ताउ जी फादर यंगर चाचा एंड एल्डर चाचा दीज आर फोर ब्रदर्स सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अगर फैमिली ट्री बनाना पड़े तो इनके ग्रैंड फादर है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है ग्रैंड मदर उन चार बॉयज़ हैं सॉरी उनके चार बच्चे हैं सन उसके गीता माँ सीता माँ के फादर उनके अंकल एल्डर अंकल और ताऊ जी ओके उसके बाद बुआ भी हैं अनमैरिड इसलिए शायद उनके साथ रहती है फादर उसके बाद सीता माँ एंड फादर हैं उनके बाद उनकी वाइफ है उनके साथ सीता माँ गीता माँ है अंकल के साथ उनकी वाइफ है एल्डर अंकल सॉरी अंकल की शादी नहीं हुई एल्डर अंकल के साथ उनकी वाइफ है ताऊ जी के तीन बच्चे हैं थ्री चिल्ड्रन उसके बाद Uh, जो ये कौन थे ताऊजी के ओके वेट अ मिनट ताऊजी के तीन बच्चे हैं इनके और बुआ अनमैरिड है तो इस तरीके से सभी एक दूसरे से रिलेटेड है इसमें आपको स्टोरी लिखनी पड़ेगी ताऊजी फादर यंगर चाचा एंड एल्डर चाचा आर फोर ब्रदर्स दे हैव वन सिस्टर बुआ ऑल ऑफ़ देम आर चिल्ड्रन ऑफ देयर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर सीतामा एंड गीता आर टू सिस्टर ताउ जी फादर एल्डर ब्रदर एल्डर चाचा इज यंगर टू तो फादर सो द एल्डर टू तो यंगर, तो यंगर चाचा ओके okay? तो ये रिलेशनशिप है एक दूसरे में नेक्स्ट इज इन द लास्ट वन ईयर वॉट आर द चेंजेस दैट हैपन इन द फैमिली एक पिछले एक साल में बताइए कि क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि फैमिली में हुए हैं जो आपको दो बताए हुए हैं दो चेंजेस जो फैमिली में सबसे पहले तो ताई जी डाइड यह आपको बताया कि एक महीने पहले हुआ है उसके बाद जो एल्डर अंकल है ही गॉट मैरिड गॉट मैरिड उनकी शादी हुई है क्योंकि न्यूली मैरिड लिखा हुआ है तो ये दो चेंजेस शायद से बड़े फैमिली में हुए होंगे वन पर्सन गोस एंड एक ने नए ने, ने फैमिली में एंटर किया है ओके okay, अब नेक्स्ट फैमिली के बारे में पढ़ते हैं विच इज ऑफ तारा तारा की फैमिली के को देखते हैं किस तरीके से स्पेशल है तारा लिव विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ रहती है चेन्नई में हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड उनकी जो अम्मा है मीनाक्षी उनकी शादी नहीं हुआ है शी हैज अडोप्टेड तारा उन्होंने तारा को अडोप्ट किया है गोद ले रखा है मीनाक्षी गोज़ टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न इन द इवनिंग मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को आती है बैन तारा रिटर्न फ्राम स्कूल जब तारा स्कूल से आती है तो मदर तो घर पर नहीं होती वो ऑफिस में होती है हर नाना टेक्स केयर ऑफर तो उसका ध्यान कौन रखते हैं उनके नाना रखते हैं शी इज़ द वन हु फील्स फीड सर ही इज़ द वन वो हैं जो कि उसको खाना खिलाते हैं हेल्प हॉर टू डू होमवर्क होमवर्क करने में हेल्प करते हैं ऑल्सो प्लेस विदर और उसके साथ खेलते भी है ड्यूरिंग वेकेशन जब छुट्टियाँ होती है द थ्री ऑफ देम गो टू फार ऑफ प्लेसेस वो तीनों जो है दूर दूर जगहों पर जाते हैं इन्जॉय देम सेल्स अपने आप को इन्जॉय करते हैं एट टाइम्स कई बार ताराज़ मौसी तारा की जो मौसी है मौसा एंड देयर यंगर चिल्ड्रन और उनके बच्चे ऑल्सो कम टू देयर होम वो भी उनके घर आ जाते हैं एट सच टाइम दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आर्स एंड ऑल्सो चैट ऐसे टाइम में वो लोग सब साथ में खेलते हैं और चिट चैट करते हैं बातें भी करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हु टेक ऑफ तारा तारा का टेक केयर देखभाल कौन करता है तो आप लिखेंगे नाना नाना उनकी देखभाल करते हैं हाउ कैसे करते हैं सो ही फीड सर वो उसको फीड कराते हैं खाना खिलाते हैं हेल्प फॉर डूइंग हर होमवर्क प्ले विद हर इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे डीज थ्री लाइन्स इज द वन हु फीडर वही है जो उसको खाना खिलाते हैं होमवर्क में हेल्प करते हैं और ये ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेंबर डू टुगेदर कौन से ऐसे काम हैं जो कि फैमिली मेंबर साथ में करते हैं तारा की फैमिली में सो so, सबसे पहले तो दे गो ऑफ फार प्लेसेस ड्यूरिंग वेकेशंस एंड एंजॉय गो ऑफ फार प्लेसेस जब कहीं दूर जाते हैं वेकेशंस पे तो सब साथ में जाते हैं ड्यूरिंग वेकेशंस एंड एंजॉय और एन्जॉय करते हैं साथ में हो सकता है डिनर साथ में करते हो तब तक मदर आ जाती हैं शाम तक ओके नेक्स्ट इज सारा एंड हबीब चलिए सारा और हबीब की तो ये देखा सेकंड वाली फैमिली बिल्कुल डिफरेंट है बाक़ियों से हमने फर्स्ट फैमिली देखी जिसमें पेरेंट्स uh, हैं दो बच्चे हैं सेकेंड फैमिली देखी कितनी एक्सटेंडेड फैमिली है कितनी बड़ी फैमिली है थर्ड फैमिली देखी हमने जहाँ पर एक बच्चे को अडॉप्ट किया गया है और एक छोटी सी फैमिली है बच्चा है उन जिन्होंने अडॉप्ट किया है उनकी मदर है और उनके फ़ादर है मदर के फ़ादर यानी कि उनके नाना नेक्स्ट देखते हैं सारा एन हबीब की फैमिली कैसे स्पेशल है सारा एन हबीब लिव इन अ सिटी एक शहर में रहते हैं बोथ आर एम्प्लॉयड दोनों एम्प्लॉयड है काम करते हैं हबीब इज़ अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस हबीब ए गवर्नमेंट ऑफ़िस में क्लर्क है एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल और सारा स्कूल में पढ़ाती हैं हबीब अबू इज़ रिटायर्ड हबीब के जो अबू हैं वो रिटायर हो गए हैं एंड लिव्स विद दैम और वो उनके साथ ही रहते हैं इन द इवनिंग शाम को द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर तीनों साथ में बैठते हैं वॉच टेलीविजन साथ में टीवी देखते हैं और प्ले कार्ड्स या फिर कार्ड्स खेलते हैं अबू इन्जॉय वॉचिंग टेलीविज़न विद दी अदर अबू को बहुत अच्छा लगता है जब दूसरों के साथ वो टी वी देखते हैं ही इन्जॉय द डिस्कशन एज वेल वो डिस्कस भी करते हैं जो देख रहे होते हैं ऑन हॉलीडेज जब छुट्टियाँ होती है द नेबर्स चिल्ड्रन केम टू देयर हाउस जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वो उनके घर आते हैं एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन और बहुत सारा फन क्रिएट करते हैं मज़े करते हैं मस्ती करते हैं सभी एवरी वन इन्जॉयज़ टुगेदर सब लोग साथ में बहुत इंजॉय करते हैं दे प्ले गेम्स गेम खेलते हैं गो आउट बाहर जाते हैं एन एट टाइम्स गो फॉर प्ले एंड मूवीज कई बार वो प्लेज के लिए नाटक देखने के लिए मूवीज के लिए भी जाते हैं पहला क्वेश्चन है हु ऑल आर इन द फैमिली फैमिली में बताइए कौन है फैमिली में तीन ही लोग है तारा हबीब एंड अबू ओके नेक्स्ट एंड अबू नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबू एन्जॉय वॉचिंग टेलीविजन विद अदर्स वाई अबू को दूसरे के साथ टीवी देखना क्यों पसंद है बिकॉज मे बी क्योंकि दोनों एम्प्लॉयड है हबीब एंड तारा बोथ आर एम्प्लॉयड सो मे बी जो अबू है वो पूरा दिन घर में अकेले रहते हैं टीवी देखने के टाइम पे सब लोग साथ में होते हैं like others, या फिर आप लिख सकते हैं बिकॉज वॉचिंग टीवी अलोन इज बोरिंग अकेले टीवी देखना बोरिंग हो जाता है एंड वाइल यू आर वॉचिंग विद अदर्स और अबू को जैसे बताया गया ही फिर आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं बिकॉज ही कैन डिस्कस डिस्कस विद अदर्स दूसरों के साथ वो जो हो रहा है टी में उसको डिस्कस भी कर सकते हैं कई लोगों को होता है ना जब टीवी देख रहे हैं साथ साथ कमेंट्री भी करते हैं तो वो हो सकता है बुक को पसंद हो इसलिए उसको दूसरों के साथ उनको दूसरों के साथ टीवी देखना अच्छा लगता है हाउ डू द फैमिली मेबर इन्जॉय फैमिली मेबर बताइए किस तरीके से इन्जॉय करते हैं जब छुट्टियाँ होती है तो आस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं देखिए इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से वो इंजॉय करते हैं हॉलीडेज़ में पड़ोस के बच्चे आते हैं लॉट ऑफ फन दे क्रिएट एवरी वन इन्जॉय टुगेदर सब साथ में इन्जॉय करते हैं गेम खेलते हैं गो आउट बाहर जाते हैं प्लेज और मूवीज़ के लिए जाते हैं ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से यहाँ तक आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज तोताराम तोताराम की फैमिली देखते हैं कैसी है तोताराम लिव्स विद हिज फादर अंकल एंड कजन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन अ मुंबई तोताराम जो है अपने अंकल के साथ फादर के साथ और उसके कुछ कज़न ब्रदर्स हैं उनके साथ रहता है छोटी सी कॉलोनी में मुंबई की तोताराम एंड हिज अंकल हैव कम टू मुंबई टू स्टडी तोताराम और उसके जो भाई है वो सभी शहर आए हैं मुंबई आए हैं पढ़ने के लिए हिज फ़ादर एंड अंकल वर्क देयर उनके फ़ादर और अंकल वहाँ पर काम करते हैं एवरीबडी डज़ द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर सब लोग घर का काम साथ में करते हैं फूड कुक्ड बाय तो चाचा इज़ लाइक बाय एवरी वन फूड जो है वो तोताराम के चाचा बनाते हैं जो कि सब लोगों को बहुत पसंद आता है तोता फ़ादर डज द शॉपिंग उनके जो फादर है वो शॉपिंग करते हैं अ पार्ट ऑफ द मनी एंड इज सेंट टू तो दादा इन द विलेज तोताराम के जो दादा है वो गाँव में रहते हैं तो जो पैसे वो लोग कमाते हैं कुछ उसका पार्ट गांव में भी भेजा जाता है मदर, दादा, दादी, चाची पेरेंटल हाउस इन विलेज गांव में जो उनका पेरेंटल हाउस है जो पुश्तैनी घर है वहां पर उनकी दाद उनके दादा दादी चाची उनकी मदर तोताराम की छोटा भाई और बहने रहते हैं वंस अयर एक साल में एक बार तोताराम गो टू हिज विलेज वो गांव जाते हैं ही मिससेस हिज मदर वेरी मच वो अपनी मदर को बहुत मिस करते हैं ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर वो उनको बहुत लंबे लंबे लेटर्स भी लिखते हैं तो कहने का मतलब है ये अलग रहते हैं बिल्कुल फैमिली से अपनी नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू तो फैमिली मेंबर कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर तोताराम की फैमिली कैसे एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती है तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे तोताराम राइट्स लेटर तोताराम राइट्स लेटर टू हर मदर एक तो इस तरीके से और ही विजिट ही विजिट्स विलेज वंस इन अ ईयर इस साल में एक बार वो गाँव भी जाता है तो साल में एक बार गाँव चला जाता है बाकी लेटर लिखता रहता है इस तरीके से वो आपस में कॉन्टैक्ट में रहते हैं विच मेंबर ऑफ तोताराम फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज वाई कौन से मेम्बर्स हैं जो कि शहर में रहते हैं कौन से है जो कि गाँव में रहते हैं तो देखिए पहले विज में देखते हैं कौन कौन रहता है मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ देखिये ये सब लोग विलेज में रहते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ तोताराम की मदर और ये सब सिस्टर एंड ब्रदर्स ये विलेज क्या हो गया और अगर हम बात करें सिटी में तो सिटी में कौन रहते हैं उनके फादर अंकल फादर अंकल तोताराम एंड कजन्स तोताराम एंड कजन्स और आपको क्यों लगता है ये लोग शहर में क्यों रहते हैं फादर एंड अंकल रहते हैं टू अर्न मनी क्योंकि बिकॉज दे वर्क टुगेदर और तोताराम और उसके कजन्स रहते हैं टू स्टडी पढ़ने के लिए बाकी लोगों का कुछ काम नहीं है दैट इज बाई वो लोग गाँव में रहते हैं कृष्णा एंड कावेरी चलिए कृष्णा और कावेरी की फैमिली देखते हैं कैसी है कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर अपने फादर के साथ रहती हैं दोनों इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लीव देयर लीव होम टुगेदर सुबह तीनों अब एक साथ घर से निकलती हैं कृष्णा लीव कावेरी एट स्कूल कृष्णा कावेरी को स्कूल में छोड़ती है एट एंड गोज टू कॉलेज और फिर कॉलेज uh, जाती जाता है इज अ बॉय कृष्णा कृष्णा पहले कावेरी को स्कूल छोड़ता है फिर अपने कॉलेज जाता है उनके फादर जो है गोज़ टू द शॉप फॉर द डे वो शॉप पर जाते हैं कावेरी रिटर्न फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून वो आफ्टरनून में घर आ जाती हैं शी अनलॉक्स द हाउस घर को अनलॉक करती है एंड वेट्स फॉर कृष्णा और फिर कृष्णा का वेट करती हैं कॉलेज से आने का वो लेट आता होगा थोड़ा ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कॉलेज से आते वक्त आने के बाद कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर दोनों साथ में खाना खाते हैं ब्रदर एंड सिस्टर कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क उसके बाद वो अपना घर का काम करती है फिर खेलने जाती है ऑन रिटर्निंग शी इधर प्ले कैरम घर वापस आने के बाद या तो वो कैरम खेलती है विद हर ब्रदर अपने भाई के साथ और वॉचेस टेलीविजन या फिर टीवी देखती है व्हेन फादर रिटर्न होम जब फादर घर आते हैं दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर वो सब लोग में खाना बनाते हैं और खाते हैं ड्यूरिंग वैकेशन जब छुट्टियाँ होती है कावेरी गोज़ टू तो स्टे विद हर मदर कावेरी अपनी मदर के साथ रहने के लिए जाती है कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज कृष्णा भी वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहता है बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस लेकिन उसके अपन, उसको अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद है ऑल द थिंग्स एंड हिज फादर आर देयर सभी चीज़ें और उनके फादर जो है वो वहाँ पर रहते हैं कहने का मतलब है सेपरेटेड फैमिली है मदर अलग रहती है हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ आर सिस्टर कृष्णा अपनी सिस्टर uh, का टेक केयर ध्यान कैसे रखता है तो कृष्णा क्या करता है ही uh, सबसे पहले तो वो छोड़ता है कावेरी को स्कूल में ही लीव्स कावेरी टू स्कूल उसके बाद आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कॉलेज से आने के बाद ही प्लेस विदहर वो उसके साथ खेलता भी है एंड या फिर वॉच टेलीविजन टी वी देखता है वॉट एक्टिविटीज़ आर डर्न टुगेदर इन द फैमिली साथ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि फैमिली साथ में करती हैं सबसे पहले गेटिंग रेडी सुबह सब लोग साथ में तैयार होते हैं क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जाना होता है कुक फूड टुगेदर साथ में खाना बनाते हैं फूड टुगेदर ओके इन द इवनिंग ये दो काम है जो सभी लोग साथ में करते हैं यू हैव रेड अबाउट रेड अबाउट सम फैमिलीज आपने कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ लिया है यू डिस्कस सम क्वेश्चन ऑल्व हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए जैसे कि फैमिली क्या होती है डिफरेंट टाइप की फैमिली कौन कौन सी है यू मस्ट हैव फॉर्म्ड योर ओपिनियन अबाउट दिस हाउ मच अब तक आपने अपना ओपिनियन बना लिया होगा फैमिली जो लोग सभी एक साथ रहते हैं दूसरे को हेल्प करते हैं काफ़ी सारे काम साथ में करते हैं वो फैमिली है और डिफरेंट टाइप की फैमिलीज हमने देख ली है कुछ में सिंगल फैमिली है कुछ अडॉप्टेड चाइल्ड uh, वाली फैमिली है कुछ आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है कुछ जॉइंट फैमिली है ओके सो नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन द फैमिली फैमिली में कौन कौन सी चीज़ें होती है ये अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले सबसे पहला काम है तो पीपल लिव टुगेदर लोग जो है फैमिली के वो साथ में रहते हैं टुगेदर टेक केयर ऑफ ईच अदर एक दूसरे की देखभाल करते हैं ईच अदर उसके बाद ईट टुगेदर साथ में खाते हैं भले ही सारे मील्स ना खा पाए एटलीस्ट एक मील डिनर जब भी साथ में होते हैं सभी लोग या फिर फेस्टिवल पे अगर साथ में मिलते हैं तो इन्जॉय टुगेदर साथ में इंजॉय करते हैं चाहे वेकेशंस हो खेलना हो टी देखना हो है ना और दैट इज ऑल आई थिंक कुक फूड टुगेदर चिल्ड्रन यूजअली स्टडी ये कुछ चीज़ें जो कि सभी लोग साथ में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द टिकन द सेंटेंसेज विच टेल्स द वेरियस थिंग दैट हैपन इन द फैमिल जो चीज़ें फैमिली में होती है उन पर टिक लगाइए मैंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफन रिजेंबल इच अदर एक दूसरे जैसे दिखते हैं फैमिली के जो मेबर्स हैं बिल्कुल सही है कई बार होता है आपके पेरेंट्स भी बोलते हो गे इसके जैसा दिखता है ये बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी दिखती है एन ऑल द फैमिली मेबर लव इच अदर वेरी मच बिल्कुल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं वन बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली बाई बींग बॉर्न और गेटिंग मैरिड इन टू द फैमिल आप किसी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं या तो वहाँ पर कोई पैदा हो तब या फिर आप उनकी शादी हो जाए उसमें दिस इज ऑल्सो ट्रू फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस फैमिली मेंबर्स जनरली एक ही घर में रहते हैं ट्रू एल्डर इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली जो सबसे बड़े होते हैं फैमिली में वो जन एल्डर्स जो होते हैं बड़े लोग वो अर्न करते हैं मनी ये भी ट्रू है सारी चीज़ें सही है फैमिली के बारे में फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देर इज़ अ फाइट अमंग देम सेल्स उनके बीच में लड़ाई भी हो जाती है तो भी फैमिली मेंबर्स साथ में होते हैं बिल्कुल सही है इन द फैमिली चिल्ड्रन एंड ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ बच्चे और बूढ़े जो है उनकी ध्यान रखा जाता है फैमिली में दिस इज ऑल्सो ट्रू थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट द स्पेस प्रोवाइडेड आपको जो जगह दी हुई है उसके आ, उसमें आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ चीज़ें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सीता माँ का फैमिली ट्री दिया हुआ आप है आपको यहाँ पर जैसे सीता माँ की दादी है दादा है चाचा है बुआ चाची है एल्डर चाची है ताई जी है ताऊ जी है पापा है उसके बाद सीता माँ गीता माँ है ताव, ताव जी के ताई जी के तीन बच्चे हैं है ना उसकी मदर की भी नानी होगी नाना होगा होंगे उनकी मदर के जो पेरेंट्स हैं तो इसी तरीके से आपको आपका फ़ैमिली ट्री बनाना है यहाँ पर सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर होपफुली चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वेरी सुन इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी उनका आप वेट करिएगा